মোবাইলেই কাজ থাকছে স্যার। कितना लोग आ सकते हैं? लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लाखों की संख्या में। टीएमसी की सरकार लाख लोगों को रोके, पर हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में आएंगे अमित जी का स्वागत करने के लिए, मोदी जी के समर्थन में। और हमें पूरे जिलों जिलों से खबर आ रही है, पिछले तीन दिन से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पे हमला हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ी, शमिक भट्टाचार्य की गाड़ी तोड़ी, हमारे एक त्रिपुरा के विधायक के साथ मारपीट की, और बाकी जिलों से भी बहुत खबरें आ रही हैं। अभी बसें जो हमारे कार्यकर्ताओं ने की, उनके आनर्स को धमकाने की कोशिश की जा रही है कि बस मत दो, पर हमारे कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से, कार्यकर्ता भी आएंगे और जनता भी। मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार माहौल है बंगाल के अंदर, कल लाखों की संख्या में लोग आएंगे। 20 जनवरी से पहले ममता बनर्जी आइंदा साल 19 जनवरी को जो एक बड़ा ब्रिगेड करने वाली है, तो पहले ये एक तरह की चुनौती होगी। हमें कोई चुनौती ना मानते हैं ना हम कोई स्वीकार करते हैं। विरोधी बोल रहे हैं आप बाहर से लोग ला रहे हो। यहाँ पर हम डोम लगाएंगे पूरे, वो पूरी भीड़ का चित्र खींचकर ममता जी को पेश कर देंगे कि इसमें बताइए बाहर का कौन है। सारे बंगाल के लोग होंगे, एक भी बाहर का नहीं। मेरे जैसे लोग जरूर प्रभारी बाहर के हो सकते हैं, हमारे युवा मोर्चे के पदाधिकारी आए, कुछ 5-25 वो बाहर के हो सकते हैं, पर कल आम जनता रहेगी। और पूरा हम वीडियो बनाकर ममता जी को और सारे पत्रकारों को भी दे देंगे कि आप भी देखिए इसमें बाहर का कौन है। आरो खबरें अपडेट पे सब्सक्राइब करूँ यूट्यूब चैनल और बेल आइकने क्लिक करूँ नोटिफिकेशन पे।